हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में 12th पास स्टूडेंट का बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में एडमिशन कैसे होगा। तो दोस्तों, आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये 21 नवंबर का है। इसमें लिखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में जो पास हो चुके हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, और वो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। बीयूएमएस के लिए इन सब्जेक्ट्स के साथ क्लास 10th में उर्दू पास होना ज़रूरी है। तो इस प्रवेश परीक्षा की अभी कोई डेट तो निश्चित नहीं हुई है, एक दो दिन बाद हो सकता है कि इसका नोटिस आ जाए किस तारीख को होगी, लेकिन इसके पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे। ये 26 से 30 नवंबर तक भरवाए जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि आप ये 26 से लेके 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी साइट पर ही फॉर्म भरे जाएंगे, DIR AYUSH UP NEET.com पर। तो मैं आपको इससे पहले का बता दूं कि यूपी में प्राइवेट की सीटें बची हुई हैं, सरकारी सीटें सिर्फ 3 BHMS की सीट ही बची हुई हैं। तो इन बची हुई सीटों पर अभी पहले नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है। ये 29 से 30 नवंबर को ऑफलाइन काउंसलिंग है, जिसका रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर तक है। तो इनमें जो सीटें बच जाएगी उनके लिए फिर यूपी 12th क्लास स्टूडेंट का एडमिशन लेगा, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम करवा करके। तो दोस्तों, एग्ज़ाम होने में, रिजल्ट आने में और काउंसलिंग होने में समय काफ़ी कम है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर तक का डेडलाइन दे रखा है। 16 से 20 तक कॉलेज ले सकते हैं एडमिशन, और 15 दिसंबर तक यूपी गवर्नमेंट को इन सीटों पर, इन वैकेंट सीट पर एडमिशन लेना है। तो इसी बीच में एग्ज़ाम भी होनी है, रिजल्ट भी आना है और काउंसलिंग भी होनी है। तो आगे इसमें ये एग्ज़ाम डेट के बारे में और कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसमें ये जो रजिस्ट्रेशन होगा 26 से 30 नवंबर पहले, तो इसके बारे में भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी हम आप तक लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।